भूखे कौ देवत आधार। बाबा जी नितनेम दे नाल हर रोज श्री सुखमनी साहब जी का पाठ सुनते आप करया करते सन। एक दिहाड़े लिवलीन बिरती नाल आप जी पाठ कर रहे सन जदों इन्हां पंक्तियां ते पाठ आया कि मृतक कौ जीवालन हार भूखे कौ देवत आधार। आप जी इस जगह रुक गए। ये पंक्तियां ही बार बार कई बारी दोहराइयां। गुरबाणी विच अंकत आशे दी विचार मन विच प्रबल हो रही सी कि परमेश्वर दे नाम विच किन्नी वड्डी शक्ति है जो मरे हुए नूं भी जीवित कर दिंदी है अते अन्न जल दी थां शरीर नूं आहार बन के आधार भी दिंदी है। सो इन्हां तुकां नूं अमली तौर ते परख लईए तां जो अगां किसे भी जग्यासु नूं डंके दी चोट नाल कह सकीए कि भाई नामी अते उस दे नाम विच किड्डी वड्डी महानता है कि शरीर दियां सारियां लोड़ां नाम आसरे पूरियां हुंदियां हन। पूरियां ही नहीं हुंदियां, ओ शरीर जो शरीरक लोड़ां महसूस करदा है उस नूं जिउंदा रखण लई कायम रखण वास्ते जो शरीरक आहार है वह भी नाम द्वारा पूरा हो सकता है। सुखमनी साहब दे पाठ दा भोग पाया। गर्मियां दे दिन सन। उस वेले बाबा जी उत्तर वाले पासे जो भाई बाबा सिंह जी दा डेरा सी उत्थे नूं चल पए ते सुनेहा दे आए कि जदों सरदार बाबा सिंह जी दा लड़का जिसका नाम सुरजीत सिंह सी वह आवे उस नूं साडे पास भेज देना, उस नाल कोई जरूरी काम है। बाबा जी ने मन विच फैसला तो पहले ही कर लिया सी कि इस पंगती दी परख कल तो आरंभ कर देनी है। शाम पई काम तो वेला होके सुरजीत सिंह बाबा जी पास पुजा। आप जी ने भाई सुरजीत सिंह नूं कहा कि सुरजीत सिंह असीं 40 दिन वास्ते इस गुफा विच भजन सिमरन करना है अते कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करना। तुसीं 4-5 दिन ध्यान रखना, शाम नूं जां सवेरे इत्थे आ के आ जो गुफा दा रोशनदान है इस विच दी साडे शरीर नूं देख जाया करो। जे साडा शरीर छुट गया तां दाह संस्कार करदे वी एवें शरीर खराब ना होवे, ते जे 4-5 दिन ठीक रहा फिर कोई खेचल करन दी लोड़ नहीं। यह बचन सुन के प्रेमी दा मन भर आया कि शायद सचमुच ही कोई भाणा ना वरत जावे, पर बाबा जी ने दिलासा दिता ते कहा कि परमेश्वर दे भाणे विच ही रहना ठीक है। सानू दृढ़ निश्चा है, पक्का निश्चा है कि साडे शरीर नूं कुछ नहीं होवेगा। यह तो केवल तैनूं ज्ञात वजों दस्या है कि शायद जे कोई भाणा वरत जावे तां शरीर एवें पिया इत्थे खराब ना होवे। सो अगले दिन सवेर दा नितनेम करके गुरु पातशाह जी दे चरणा विच बाबा जी ने अरदास कीती कि हे गरीब नवाज पातशाह जीओ, आप जी दे पावन बचना दी कमाई करके वेखण वास्ते 40 दिन लई आप जी दे चरणा विच साडा इह निमाणा शरीर हाजर है। आप जी नाम दा आहार बख्शिश करके मेहरां बरसावो। ते उस तों बाद सिमरन आरंभ कर दिता। आप जी तड़के 2 बजे उठ खलोंदे, इशनान करन उपरंत गुरु महाराज जी वलों बख्शिश कीता होया नितनेम करदे। उस तों पिछों सुखमनी साहब जी दा पाठ बड़े रंग विच प्यार विच सहज सहज नाल करदे। सारा दिन फिर वाहिगुरु गुरमंत्र दा जाप करदे। सोदर दे पाठ दी हाजरी लवा के 10 बजे तक रात नूं फिर सिमरन विच जुट जाणा। उपरंत 1.5 घंटा इस गुफा विच्चों रात नूं बाहर निकल के थोड़ा फिर तुर लैंदे। 11 बजे दे करीब सोहले दा पाठ करके थोड़ा आराम करदे। इस प्रकार नित किरिया बना ली। बाबा जी दसदे सन कि 40 दिन का समा ऐसे आनंद विच बीतिया जिस दा वर्णन नहीं कीता जा सकता। यह बिरतांत उन्होंने अपनी जीवनी जो कैसेट विच रिकॉर्ड करवाई है उस विच भी दसिया है अते अभलाकी जन आप सुन सकते हैं। सो वह कहा करते सन कि 40 दिन का समा ऐसे आनंद विच बीतिया जिस दा वर्णन ही नहीं कीता जा सकता। अन्न की भुख जां जल की प्यास लगनी तो एक पासे रही, अंदरों इन्हां चीज़ां नूं ग्रहण करन वास्ते मन विच वासना तक भी पैदा नहीं हुई ते ना ही शरीर विच किसे किस्म की कोई कमजोरी महसूस हुई। ते चंगी तरह अपने शरीर द्वारा परिपक्व हो गया कि हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई। 40 दिनों बाद अरदास करके गुरु महाराज जी का धन्यवाद किया। इन्हां दिनों विच सतगुरु जी ने होर बेअंत आत्मक उन्नति अते नाम दा रस प्रदान कीता जो बाबा जी कहा करदे सन कि दस्या नहीं जा सकता।
केवल अनुभव ही किया जा सकता है। सो चंगी तरह निश्चय हो गया कि सतगुरु जी ने गुरु की बाणी विच जो भी अखर अखर लिखना किया है वह पत्थर उपर लकीर वांग अमिट है। हो सकता है कि पत्थर की लकीर तो शायद मिट जाए पर गुरबाणी के जो बचन हैं वह सदीव काल अटल सच्चाई हैं। गिर बसुदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा। जे ऊणता है तो वह केवल साढ़े अपने विच ही है। जो प्राणी दृढ़ता दे नाल गुरबाणी के वाकों उपर निश्चय कर लए उस उत्ते जरूर गुरबाणी की पारस कला वरतदी है। लोड़ केवल गुरु के बचना नू सत करके मनन दी है। ता ही तो गुरदेव चौथे पातशाह जी ने अपने गुरसिखा प्रति हुक्म किया है कि गुरसिखो सतगुरु की बाणी सत सत कर जाणो। गुरसिखो हर करता आप मुँहों कढ़ाए। जे किसी कोई शक है तो वह अपने जीवन में गुरबाणी के सिद्धांत को गुरबाणी की पारस कला परख के वेख लै। बिना परख किए परमेश्वर जी की बाणी प्रति तर्क करनी अपने आप नाल बहुत वड्डा ध्रोह है, पाप है, महापाप है। जो गुरु बचना सच मन के यकीन भरोसे दृढ़ता सहित गुरबाणी उपर निश्चय करता है वह फिर वाहगुरु में लीन होकर उसका रूप बन जाता है। सतगुरु की बाणी सत सत कर माना हो इं आत्म रामै लीना है तथा सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनी है। सतगुरु जी की बाणी सच का स्वरूप है। गुरबाणी द्वारा भरोसा करने नाल ही सत स्वरूप बन सकीदा है।